आज मैं कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय गणित पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों, इस पाठ में ईंटों के प्रकार तथा ईंटें किस प्रकार बनाई जाती हैं और ईंटों से बने कई प्रकार के डिज़ाइन आज हम सीखेंगे। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। तो जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न बन रहा था, उसके लिए कई प्रकार के कारीगर बुलाए गए थे। यहाँ मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल की सच्ची कहानी है। जब इसकी इमारत बनवाई जा रही थी, तब दीवारों और फर्श पर ईंटों के पैटर्न बनवाने की योजना थी। जमाल कालू और पीआर नाम के राजमिस्त्रियों को यहाँ काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वे अपने दूसरों दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। ये मकबरा जो आपको बच्चों चित्र में दिख रहा है, ये मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा है। इसी को वो मिस्त्री देखकर स्कूल में नई ईंटों के डिज़ाइन तथा पैटर्न बनाने जा रहे थे। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। विद्यार्थियों, ये जो इमारतें बनाई गई हैं, यहाँ 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न बनाए गए थे, जिन्हें 300 साल पहले के मिस्त्रियों ने बनाया था। यहाँ हमें कुछ पैटर्न दिए गए हैं जो ये मकबरे के थे। ध्यान से देखो कि दिए गए जांच फर्श पैटर्न में ईंटें किस तरह सजाई गई हैं। आप विद्यार्थी सब ये ध्यान से देख सकते हैं कि इनमें अलग अलग डिज़ाइन से अलग अलग प्रकार से ईंटें सजाई गई हैं, जिनसे एक चित्र बनता है। यहाँ पे भी कई अलग प्रकार की डिज़ाइन है बच्चों। देखो, जहाँ पे यहाँ चौकड़ी का निशान यहाँ है, यहाँ पे एक महल जैसा बना गया है, गोल आकार में डिज़ाइन बनाई गई है। तुम्हें कौन सा फर्श पैटर्न सबसे अच्छा लगा रहा है? तो बच्चों, आपको अपने नोटबुक में लिखना है कि आपको कौन सा पैटर्न सबसे अच्छा लगा है, एक नंबर का, दो नंबर का, या 3, 4, या 5 नंबर का। क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे? आप सभी विद्यार्थियों ने कभी ये पैटर्न देखे हैं तो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर सभी मिस्त्री स्कूल का काम करने के लिए वापस आए। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आए। जमाल ने कहा, उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे, हमने तो इन्हें भूला ही दिया। चलो, हम भी इस स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाएंगे। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते हैं और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद भी बनाते हैं। इसी प्रकार वो स्कूल का काम संपन्न हुआ, जिससे उसमें नए नए पैटर्न थे। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस स्कूल के फर्श पे अनेक अनेक प्रकार के पैटर्न बने, जैसे ये गोल वृत्ताकार का, ये चौकड़ी आकार का, कई प्रकार के अनेक अनेक पैटर्न जैसे यहाँ बने गए और काफ़ी सुंदर हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ईंटों से भी कई प्रकार के डिज़ाइन तथा प्रकार आकार बनाए जा सकते हैं। बच्चों, यहाँ देखो, कई प्रकार के पैटर्न दिए गए, जैसे ये और ख नंबर का पैटर्न, फिर घ घ नंबर का, फिर ढ, ये छ नंबर का पैटर्न, फिर ये छ नंबर का पैटर्न, फिर झ झ अया और ट नंबर का पैटर्न। बच्चों, तो देखो, यहाँ से हमें कई प्रश्न पूछे हैं। कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार का है? तो इनमें से यह पैटर्न वृत्ताकार का है, जो गोल बना है। अब तुम किसी पैटर्न को शीशे में एक समान दिखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो। तो हमें ढूंढना है कि हम किसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, किस पैटर्न को। हम इस पैटर्न को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कारण कि इस पैटर्न के दोनों तरफ एक जैसी डिज़ाइन बनी है। इसे हम आधा करेंगे तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा। अब यहाँ लिखा है बच्चों, अब
तुम फ़र्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ। आप सभी विद्यार्थियों को अपनी नोटबुक में फ़र्श के पैटर्न बनाने हैं। अब हम यहाँ कुछ पढ़ेंगे कि ईंटें किस प्रकार बनाई जाती हैं। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों की एक लंबाई कतार को देखने अच्छा लगता है, वो ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि गणेश और साहिबा को लंबी ईंटों की कतार देखना बहुत अच्छा है और वो ईंटें कैसे बनती है वो भी देखते हैं। अब हमें यहाँ दिया गया है, नीचे ईंटों की भट्टी के चार चित्र दिए गए हैं जो क्रम में नहीं है, उन्हें ध्यान से देखो। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमें कुछ ना चार चित्र दिए गए हैं, वो हमें ध्यान से देखने हैं और सही क्रम में यहाँ लिखना है। यहाँ हमें चार चित्र दिए गए हैं, क, ख, घ और ग। तो सबसे पहले ईंट बनाने के लिए हमें क्या किया जाता है, सर्वप्रथम पहले मिट्टी लाई जाती है, फिर उसे ईंट के सांचे में डाला जाता है, फिर उसे रखा जाता है, ईंट के सांचे से बाहर निकाला जाता है कि जिससे ईंट का आकार उसे मिल जाए, फिर उसे धूप में सुखाया जाता है। तो हमारा क्रम हुआ बच्चों, ग, घ, ख और क। ये क्रम आप सभी को यहाँ लिखना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने, आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है कि ईंट पहले किस प्रकार बनाई जाती है, फिर क्या प्रक्रिया होती है। जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्र में दिखाया गया है। तो यह हमें कुछ चित्र दिए गए हैं ईंटों के, इनमें से इस किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं, तो इनमें से इस ईंट के घुमावदार किनारे अर्थात गोलाकार के जो घूम जाते हों। सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नज़र आ रही हैं, तो सबसे बड़ी ईंट है ये, तो उसकी आपको अभी एक और ये दूसरी सतह नज़र आ रही है। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिनकी 6 से अधिक सतहें हैं, तो आप सभी विद्यार्थियों को ये पता लगाना है कि कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से ज़्यादा सतहें हों। पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंट देखी है, एक ईंट को लेकर उसको मापो। तो आपको ये एक्सरसाइज बच्चों घर पे करनी है। आपको एक ईंट लेनी है तथा फिर उसे उसकी लंबाई कितनी है वो ज्ञात करना है, उसकी चौड़ाई कितनी है वो ज्ञात करना है, फिर उसकी ऊंचाई कितनी है वो भी ज्ञात करना है। यह होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब हम पढ़ेंगे ईंट का चित्र कैसे बनाएं। यहाँ एक ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में हम ईंट की एक सतह ही देख सकते हैं, दूसरे चित्र में तीन सतह नज़र आ रही हैं। उस चित्र पर गोला लगाओ और जिनमें तीन सतह नज़र आ रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे दो ईंटें दी गई हैं, तो एक की तीन सतह नज़र आ रही है और एक की एक, तो इसमें से आपको कौन सी ईंट की तीन सतह नज़र आ रही है और तथा किसकी एक सतह नज़र आ रही है उस पर गोला करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, एक, दो, तीन, तो हमें इस ईंट की तीन सतह नज़र आ रही हैं और इस ईंट की एक सतह नज़र आ रही है। एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं, तो बच्चों एक ईंट में 6 सतह होती है, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है, हाँ, ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाइए। आपको अपने नोट में ईंट की जो सबसे छोटी सतह होती है उसका चित्र बनाना है। अब यहाँ हम बच्चे पढ़ेंगे, नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन कौन सी ईंट की सतह दर्शाई है, वहाँ सही का निशान लगाओ। तो इन कई प्रकार के हमें आकृति दी गई हैं जिनमें कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है उनमें सही आकृति लगानी। तो पहले ये, फिर ये भी ईंट की सतह दर्शाती है, ये सब
आकार आपको अपनी नोटबुक में बनाना है बच्चों, तथा और उन पे सही का निशान करना है जो ईंट की सतह दर्शाती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये ईंट की सतह है, एक ये ईंट की सतह है और एक ये। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है सही का निशान लगाओ। तो आप बच्चों देख रहे होंगे यहाँ कई प्रकार के चित्र दिए गए, तो इनमें से यह चित्र ईंट का है, तो यहाँ हमें सही का निशान लगाना है। अब बच्चों यहाँ देखिए, क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया कि वहाँ कितनी ईंट हो सकती है? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी है, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 100,000 कहते हैं, 100,000 अर्थात 100,000। क्या तुम इसे लिख सकते हो? बच्चों आपको 100,000 की संख्या को अपने नोटबुक में लिखना है अंकों में। अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 100,000 की संख्या कहाँ सुनी है। यहाँ बच्चों देखिए, मन ही मन गणित भजन ने ईंटें खरीदी, तो यहाँ हम कुछ ईंटों की गिनती करेंगे। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 से गिनी जाती है, मतलब 1,000 के हिसाब में उनका विक्रय होता है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ कुछ ईंटों की कीमतें दी गई हैं और उनके मूल्य दिए गए हैं। ईंटों के प्रकार, पुरानी ईंटें 1,200 रुपये प्रति 1,000 ईंटें, ईटापुर की नई ईंटें 1,800 रुपये प्रति 1,000 ईंटें, बिकराबाद की नई ईंटें 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटें। तो यहाँ कुछ मूल्य दिए गए जो हमने पढ़े। भजन ने बिकराबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया, उसने 3,000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे चुकाए? तो भजन ने कहाँ से ईंटें खरीदी? बिकराबाद की नई ईंटें खरीदी, तो वह 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटें थी, तो उसने कितनी? 3,000 ईंटें खरीदी। तो 3,000 का मूल्य होगा 2,000 का गुणा 3 में करेंगे, तो उसे 6,000 रुपये देने पड़े 3,000 ईंटों के। अगर वो 500 पुरानी ईंटें खरीदते तो उसे कितने पैसे देने पड़ते? विद्यार्थियों ये प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसी से ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है, तथा इस पाठ से हमें ये जानकारी प्राप्त मिली कि कितनी प्रकार की ईंटें होती हैं, उनके कैसे पैटर्न बनते हैं, तथा उन्हें किस तरह बनाया जाता है, और हमारे भारत में कई प्रकार की भट्टी हैं जो ईंटें बनाती हैं।